सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल इंट्राडे गाइड को, बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए। गाइस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और इस लिंक को दबाइए, इससे आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर पहुंच सकते हैं और आप मेरे ग्रुप पे ऐड हो सकते हैं। तो इस ग्रुप पे मैं आपको बताऊंगा जब भी मार्केट ओपन होगा, मार्केट आवर्स के अंदर मैं आपको कॉल्स प्रोवाइड कराऊंगा जिस पे आप अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। तो ये मेरे व्यूअर्स के लिए है। तो अभी आपने अगर मेरे टेलीग्राम चैनल को डाउनलोड नहीं करा है तो अभी जाकर डाउनलोड करिए और इस लिंक को दबा के मेरे चैनल पर तुरंत ऐड हो जाइए। अभी कुल 1000 पीपल्स ऐड हो चुके हैं और भी ऐड हो जाएंगे तो आपको शॉर्ट शॉर्ट प्रॉफिट ज़रूर मिलेगा। हे गाइस, स्वागत है आपका इंट्राडे गाइड पे। मैं हूँ आपका दोस्त शिवांश भसीन। तो आज हम बात करेंगे कि ये आप खुद देख सकते हैं, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि गिरा पड़ा है, अगर अभी नहीं खरीदा तो हाथ मलते रह जाओगे। तो ऐसा कौन सा एक स्टॉक है जो गिरा पड़ा है, अगर हमने नहीं खरीदा तो हम हाथ मलते रह जाएंगे। मैं आपको कुछ हिंट देना चाहूँगा, तो मैं आपको कुछ कंपनी के बारे में बताऊंगा, आप अगर उसे जज कर पाए तो आप समझ जाएंगे कि हाँ ये आप कंपनी समझ सकते हैं। और आपको मैं एक दूसरा हिंट भी फिर दूंगा, फिर हम बढ़ते हैं उसके स्टॉक की तरफ। तो ये एक इंडिया की लीडिंग कैपिटल मार्केट कंपनी है। अगर हम बात करें कैपिटल मार्केट कंपनी है तो आप समझ सकते हो कोई फाइनेंस की लाइन से होगी। अगर हम इसकी सर्विसेज की बात करें, कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड कराती है, तो एक ये एडवाइजरी सर्विस प्रोवाइड कराती है, डिपॉजिटरी सर्विस प्रोवाइड कराती है, इक्विटी रिसर्च सर्विसेज प्रोवाइड कराती है और ये कमोडिटी ट्रेडिंग्स भी ऑफर करती है। तो आप खुद ही समझ गए होंगे क्योंकि एक फाइनेंस सेक्टर से रिलेटेड है और एक NBFC है। तो अब हम बढ़ते हैं कि ये ऐसा कौन सा शेयर है जो गिरा पड़ा है, अगर अभी हमने नहीं उठाया तो हम फिर बाद में पछताएंगे। तो आपको मैं उसमें लेकर चलता हूँ और आप मैं दिखाता हूँ कि आपको, पहले मैं एक खास चीज दिखाने वाला हूँ शेयर के बारे में। तो बढ़ते हैं शेयर की तरफ। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको शो हो रहा होगा, तो शेयर का नाम अगर मैं आपको बताऊँ तो इंडिया बुल्स वेंचर। तो ये एक शेयर है जो गिरा पड़ा है, अगर आपने अभी नहीं उठाया तो आप फिर पछता सकते हैं। अगर हम आपको इसके रिटर्न दिखाएं तो आप देख सकते हैं एक साल में ये जो रिटर्न देता है 200% तक का रिटर्न देता है, 3 साल में ये 1000% तक के रिटर्न दे चुका है और 5 साल के अंदर ये 3500% तक के रिटर्न दे चुका है इंडिया बुल्स वेंचर। अगर हम बात करें तो ये लार्ज कैप कंपनी है, तो हम इसमें कह सकते हैं कि ये एक लार्ज कैप है तो इसमें अपसाइड बन सकती है। अगर हम बात करते हैं इसकी वैल्यूएशन के हिसाब से, तो वैल्यूएशन इसके थोड़े एक्सपेंसिव है, पर जिस सेगमेंट में ये है तो वहाँ पर वैल्यूएशन एक्सपेंसिव होते ही हैं। अगर हम बात करें डेप्ट ऑन इक्विटी तो 2.55 है और NBFC फाइनेंस कंपनीज में डेप्ट तो होता ही ज़्यादा है, तो आप इन दो चीज़ों की तो फिक्र करिए मत। अगर हम बात करते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी तो 12.5% का रिटर्न ऑन इक्विटी है, तो बहुत बढ़िया है। प्राइस टू बुक वैल्यू बहुत अच्छी है, 11 रुपये की प्राइस टू बुक वैल्यू। अगर हम आपको इसके बारे में खास चीज़ दिखाना चाहें तो आप यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न में जाएंगे। शेयर होल्डिंग पैटर्न में आप जाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रमोटर्स ने अपनी मार्च में होल्डिंग भी इंक्रीज़ करी है, जो इनकी होल्डिंग थी 1.36% से इन्होंने अपनी होल्डिंग इंक्रीज़ करी है। अगर होल्डिंग इंक्रीज़ करी है तो हम कह सकते हैं कि इस कंपनी में कुछ नई चीज़ें आने वाली हैं, कोई बदलाव होने वाला है, वरना इस कंपनी के लिए कुछ खास होने वाला है, जिससे लोग प्रमोटर्स ने यहाँ पर अपनी होल्डिंग को इंक्रीज़ करा है। FIIs ने भी यहाँ पर अपनी होल्डिंग को इंक्रीज़ करा हुआ है। म्यूचुअल फंड यहाँ पर सिर्फ कोई स्कीम है, स्कीम्स में रिलेटेड स्टॉक्स में ट्रेड करते हैं, तो कोई स्कीम के अंदर अगर ये स्टॉक आ जाता है तो उसमें ये लोग ट्रेड कर लेते हैं इंडिविजुअली, स्टॉक में म्यूचुअल फंड ट्रेड नहीं करते हैं। अगर हम बात करें तो कोई भी प्लेज्ड शेयर्स प्रमोटर होल्डिंग के पास नहीं है, कोई भी शेयर्स को प्लेज नहीं करा हुआ इंडिया बुल्स वेंचर के अंदर। तो हम देख सकते हैं कि अगर हम फंडामेंटल्स की बात करें तो ये ठीक ठाक है फंडामेंटल्स में। अब हम इसके चार्ट की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ पर मैं आपको शो करूँगा कि इसका चार्ट स्ट्रक्चर कैसा है। तो अब हम यहाँ पर आ गए हैं चार्ट में, तो यहाँ पर आपको मैं डेली चार्ट में लेकर जाना चाहूँगा। तो डेली चार्ट में आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप पहले RSI को देखिए। अगर हम इसका वॉल्यूम चार्ट हटा देते हैं तो आप यहाँ पर RSI को देखिए, यहाँ पर इसने RSI ने ये 70 के ऊपर बढ़ना शुरू करा था। अगर आप डेट देखना चाहें तो ये 14th है, तो हमने देखा था कि 14th को ये बढ़ना शुरू हुआ था, यहाँ से इस लेवल से ये 14th ऑफ को बढ़ना शुरू हुआ था। वहाँ से हम बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए और जो इसने अपना हाई बनाया वो यहाँ पर इसने 14th को ही ख़त्म करा। तो हम कह सकते हैं एक महीने के अंदर ये 250 से लेकर 550 तक ये बढ़ गया था। तो ये हम देख सकते हैं कि इतनी ऊपर ये बढ़ चुका है, अपसाइड दिखा चुका है, तो इसमें गिरावट आना तो लाजमी था।
तो अब इसमें हम कह चुके हैं कि एक महीने बाद से इसमें गिरावट आनी शुरू हो गई है। तो अगर हम बात करते हैं कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट में इसका सपोर्ट कहाँ बन रहा है और सपोर्ट से ये घूमेगा कब, तो मैंने आपको आज, अगर आप लोग मेरी टेलीग्राम चैनल पे हैं, तो मैंने आपको आज बोला था कि 415 के लेवल पे इसमें ध्यान से देखना। तो 415 के लेवल, यहाँ की इसका जो 38.2 रिट्रेसमेंट लेवल है, वहाँ से हमने देखा था कि जैसे ही इस लेवल को इसने क्रॉस करा, हमने 424 425 तक के लेवल्स भी आते हुए देखे, पर वहाँ पर इसे होल्ड नहीं कर पाया और हमने फिर लोअर लेवल्स में इसमें क्लोजिंग आते हुए देखी है। तो इसका सपोर्ट कहाँ बन रहा है? इसका सपोर्ट बन रहा है 50% के रिट्रेसमेंट लेवल में, और जो इसका अपर साइड का सपोर्ट है वो 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। तो इसका अगर हम एक्सपोनेंशियल 50 डेज मूव एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की बात करते हैं, तो वो 387 पे है। तो 387 एक इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर सकता है। अगर इससे ब्रीच करता है तो हम कह सकते हैं कि ये 370 तक जा सकता है। तो अब आपको करना क्या है? तो अगर हम एग्जांपल के तौर में बात करते हैं, अगर आपको इसके 100 शेयर्स बाय करने हैं, अगर आप इसके 100 शेयर्स बाय करते हैं, तो अब आपको बाय करना कैसे है? कल आपको मार्केट में इस शेयर को वॉच करके चलना है कि क्या ये अपने इस रिट्रेसमेंट लेवल, जो कि 415 का लेवल है, उसके ऊपर निकलता है और उसके ऊपर क्लोजिंग देता है या उसके ऊपर सस्टेन करने की कोशिश करता है। अगर करता है तो आपको, अगर कोई डिप मिलती है 415 के आसपास, तो वहां पर आप 25 शेयर्स बाय कर सकते हैं। अभी मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अगर आपको 100 शेयर बाय करने हैं तो 1/4 शेयर आप बाय कर सकते हैं। और अगर कल आपको मार्केट में डिप मिलती है, अगर आपको ये नीचे की ओर मिलता है और अगर ये 50 डेज एक्सपोनेंशियल के नीचे ट्रेड करना शुरू करता है, तो आपको जब बाइंग लेवल होगा वो 380 के अराउंड होगा। तो आपको 380 पे उसे बाय करके चलना है, आपको 380 पे उसके 50 शेयर्स को बाय करके चलना है। अब उसके बाद हम कह सकते हैं कि यहाँ से तो हमें उछाल आने की संभावना मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर हम एक मान सकते हैं कि 50 रिट्रेसमेंट तक जब कोई मार्क स्टॉक ऊपर से नीचे गिरना शुरू करता है अपने हाई से, तो 50 रिट्रेसमेंट के बाद ये बाउंस बैक देता है। तो अगर आप यहाँ पर बाउंस बैक लेते हैं, तो यहाँ से आपको जो अपसाइड मिलेगी, आपको यहाँ पर 415 तक की अपसाइड मिल सकती है। तो अगर आपने यहाँ पर 380 पे बाय करा और 415 तक आपको यहाँ पर अपसाइड मिल सकती है, क्योंकि यहाँ तक तो स्टॉक जाएगा, उसके ऊपर की गारंटी हम तभी लेंगे जब इसके ऊपर ये निकलने की तैयारी करेगा। तो वो भी मैं आपको टाइम टू टाइम अपडेट करते रहूंगा अपने टेलीग्राम चैनल के अंदर, जो भी स्टॉक में मोमेंटम होता है। तो यहाँ पर आपको 50 शेयर्स बाय करने हैं, यहाँ पर आपको 25 शेयर से निकल जाना है अगर ये इसके नीचे वापस घूमना शुरू हो जाता है। अगर यहाँ से वापस रिवर्सल दिखाता है, तो आपको 25 शेयर से एग्जिट कर लेना है अपना प्रॉफिट बांध के। उसके बाद जब आपको यहाँ पर शेयर में डिप मिलेगी, तब आपको बाय करना होगा। और उसके बाद जब ये दूसरी बार स्टॉक फिर को भी 50 रिट्रेसमेंट को टेस्ट करता है, तो उसके बाद हम सीधा हायर लेवल्स बनते हुए देखने को मिलता है स्टॉक पे। तो ये बहुत से चार्ट पैटर्न्स बने हुए हैं, तो आपको मैंने ये स्ट्रैटेजी बनाई हुई है, तो ये स्ट्रैटेजी के साथ आप वर्क कर सकते हैं और आप इस आईबुल वेंचर में बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो अगर हम आरएसआई की बात करें, तो ये थोड़े और लोअर लेवल शायद दिखा सकता है, वरना यहाँ से बाउंस बैक कर सकता है। अगर ये बाउंस बैक करता है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि 500 तक के लेवल्स भी वापस आने वाले टाइम में दिखा सकता है, जो अभी 400 के अराउंड ट्रेड कर रहा है। तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है, तो आप लोअर लेवल्स में भी इसमें एवरेजिंग कर सकते हैं और ये आपको अच्छे खासे रिटर्न आने वाले टाइम में जरूर देगा। तो आप इसे अपने पोर्टफोलियो में जरूर रखा करिए। तो ऐसी कोई मैं और स्टॉक्स आपके लिए लेकर आते रहूंगा, जो भी आपको अच्छा खासा प्रॉफिटेबल ट्रेड दे दें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिए। अगर आपको जो मैंने यूजफुल इन्फॉर्मेशन दिया, अगर आपको ये समझ आई है और अगर आप इसमें ट्रेड लेना चाहते हैं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि हाँ, ये इन्फॉर्मेशन मुझे यूजफुल लगी है और मैं इसमें ट्रेड जरूर लूंगा। और जो मैंने आपको फंडामेंटली एनालिस करके जो मैंने आपको वेबसाइट दिखाई थी, जिस वेबसाइट में आपको मैं बता रहा था, वो वेबसाइट भी मैंने पूरे अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करी हुई है, कौन सी वेबसाइट है वो, तो उसका भी मैंने यहाँ पर लिंक दे रखा है। तो आप ये इस लिंक पर जाके आप देख सकते हैं कि ये कौन सी वेबसाइट है, इसमें क्या नए फीचर्स आए हुए हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं फंडामेंटली अच्छे तरीके से किसी स्टॉक को एनालाइज करने के लिए। और यहाँ आप देख सकते हैं अशोक लेलैंड जिस तरीके से गिरा था, हमने देखा आज इसने बाउंस बैक दिया, तो इसका कहाँ सपोर्ट बन चुका है, वो सपोर्ट भी मैंने आपको इसमें बताया, कितनी अपसाइड बन सकती है, तो वो भी इस वीडियो में मैंने आपको बताया हुआ। ये दोनों वीडियो आप चेक कर सकते हैं और अच्छा एक प्रॉफिटेबल ट्रेड ले सकते हैं। तो यही मैं वीडियो को खत्म करता हूँ, ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं आपके साथ लाते रहूंगा। तो मैं शिवांश भसीन मिलता हूँ कल नई वीडियो के साथ। साइनिंग ऑफ।